हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग वापस आ रहे थे काठमांडू से, और रास्ते में एक बहुत ही गजब का नज़ारा दिखाई दिया, और यहाँ पर रोपवे हमें ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दी। तो हम यहाँ पर रुक कर लोगों से पूछे कि भाई यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मनकामना मंदिर है, जो कि एक दिव्य मंदिर है। तो हमने कहा कि जब दिव्य है तो हम भी यहाँ के दर्शन ज़रूर करेंगे, और अपने साथियों के साथ चल दिए मनकामना मंदिर के दर्शन के लिए। तो ये जो रास्ता है ये मेन हाईवे से नीचे की ओर जाता है, जो कि रोपवे की तरफ जाता है। अगर आप नेपाल अपनी गाड़ी से घूमने आते हैं तो इस स्थान पर ज़रूर आएँ। बहुत ही गजब का नज़ारा है और बहुत ही अल्टीमेट है ये प्लेस, और बहुत जल्द वहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या है, कैसे वहाँ पे जाना है, रोपवे का किराया कितना है, और हमें गाड़ी पार्किंग के लिए कहाँ पे खड़ी करना पड़ेगा, तो सारा कुछ हम आपको बताएँगे। अगर आप काठमांडू से आते हैं तो आपको मनकामना मंदिर की दूरी 141 किलोमीटर पड़ेगी, और अगर आप मुगलिन से आते हैं तो आपको मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, और आप अगर सोनौली बॉर्डर से आते हैं तो आपको 185 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, तब आप जा कर के मनकामना मंदिर पहुंचेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं पार्किंग एरिया में, और यहां पे बैरिकेड लगाया गया है। तो जैसे ही होगा आगे हम बढ़ेंगे और अपनी गाड़ी को पार्किंग में हम लगा देंगे। तो हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है, और पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं 30 रुपये पर घंटे और 150 रुपये पर नाइट के हिसाब से है। तो आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या ख़ास है यहाँ पर, और हमें टिकट कहाँ से लेना है। और बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला भाई साहब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पूरी नेपाल सीरीज है मेरे प्लेलिस्ट पर, तो वहाँ पर जाएँ। आपको जहाँ भी जाना है नेपाल का, जो भी टूर करना है आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी पीने का भी है, अगर आप पानी लेना चाहते हैं तो यहाँ से बोतल में ज़रूर पानी ले लें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाइट है मनकामना मंदिर की। और देखिए, जैसे रोपवे के विषय में कुछ यहाँ पे बताया गया है, और ये रोपवे 1998 में चालू की गई थी, और 3.2 किलोमीटर की लंबी ये चैनल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी रोपवे है। और ऊंचाई पर जाने पर काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है जो कि इसमें दिए गए थे, तो अगर आप आते हैं तो उन सारे इंस्ट्रक्शन का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे हमें लेना है टिकट, और ये इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर, तो आप इंडियन करेंसी में इनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन करेंसी में 500 और नेपाली करेंसी में 800 एडल्ट का किराया है, जो कि हमें यहाँ पर देना है। तो हमें यहाँ 3200 नेपाली और 2000 इंडियन करेंसी देना होगा चार लोगों के लिए। तो हमने अपना टिकट यहां से ले लिया है, और अब हम यहां से चलेंगे रोपवे की लाइन में, जहां से रोपवे चलती है। और एक और ज़रूरी जानकारी है जो हम आपको देना चाहते हैं, वो ये है कि इस काउंटर पर केवल 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के नोट ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो कि इंडियन करेंसी के होते हैं। अगर आप नेपाल से हैं तो नेपाली करेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी एक्सेप्ट होगी, लेकिन अगर आप इंडियन करेंसी देते हैं तो आपको 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में ही आपको देना होगा। तो ये है, यहाँ पे गार्ड हैं जो कि हमारा टिकट चेक करेंगे, सारे चार बंदों का टिकट चेक होगा यहाँ पर, उसके बाद हमें आगे जाने दिया जाएगा। मनकामना मंदिर जो है वो बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। ऐसी हमें जानकारी मिली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आ रहे हैं, और देखिए रोपवे की लाइन कितनी ज़बरदस्त है, लगी हुई है। और एक चीज़ यहाँ पर ख़ास है कि अगर आप नेपाल से हैं और आप नेपाल के स्टूडेंट हैं, तो आप परिचय पत्र दिखा करके आपको यहाँ पर छूट भी मिलती है। तो ये केवल नेपाली लोगों के लिए है, इंडियन के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारा टिकट होगा स्कैन, और बार कोड से हमारा स्कैन यहाँ पर हो चुका है, और हम आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा सफाई है प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही क्लीन है, चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है हमें दिखाई दे रहा है। और देखिए वो सामने हम रोपवे की लाइन में पहुंच गए हैं, और यहीं से रोपवे चलती है जो सीधे मनकामना मंदिर को जाती है, जिसकी दूरी
काफ़ी है। अगर आप पैदल जाना चाहें तो एक दिन में पहुंचना मुश्किल है, और नीचे से गाड़ी जाती है कि नहीं जाती है इसका कोई आइडिया है नहीं फ़िलहाल, लेकिन रोपवे जाती है। तो आप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आप रोपवे से दर्शन कर सकते हैं। आपको 500 रुपये इंडियन और 800 रुपये नेपाली करेंसी चार्ज में देना होगा। तो यहाँ पर जो लाइन लगी है, यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र हैं जो चार बंदे अगर रोपवे में बैठते हैं तो चारों की फ़ोटो खींची जाती है, और खींचने के बाद उसके अंदर एक स्लिप डाली जाती है, और बाद में ये स्कैन होता है कि कितने बंदे यहाँ से मनकामना मंदिर के लिए गए हैं और कितने वहाँ से वापस आए हैं। सारा रिकॉर्ड इनके पास होता है जिससे कोई भी अनहोनी ना होने पाए, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है केबल कार अथराइज जो रहते हैं उनकी। तो इस तरह से कुछ है यहाँ पर, आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमने पूरा ब्लॉग पूरी वीडियो बनाया है, हम आपको एक एक स्टेप दिखा रहे हैं। तो अगर आप आते हैं मनकामना मंदिर जाते हैं घूमने तो ये ब्लॉग ज़रूर देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त आगे की राइड होने वाली है जो कि रोपवे से होगी, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे आपको दिखाई देंगे। नीचे आपको नदी दिखाई देगी, जो नदी अभी तक हमारे साथ साथ चल रही थी रोड पे बगल में साइड से, वही नदी को हम रोपवे से क्रॉस करेंगे, और जो ऊपर का नज़ारा होगा भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो बस उस क्षण के लिए आप तैयार हैं तो बने रहिए और देखते रहिए। देखिए हम लोग भी रोपवे में बैठ गए हैं, और अब जो नज़ारा है वो ऊपर से दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लॉग है, जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, ऊपर से रिकॉर्ड किया है, और ग्रीनरी देखिए कितनी ज़बरदस्त है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और ये रोपवे से शूट हुआ वीडियो है, और अब हम देखिए ऊँचाई की ओर जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतनी लंबी रोपवे पे मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, वैसे तो कई बार हमने रोपवे से यात्रा की है, बट ये फर्स्ट टाइम है जो इतनी लंबी रोपवे है 3.2 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो हाई प्रेशर की वजह से कान जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए जो नदी है वो कैसे बह रही है, ऊपर से देखिए नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट दिखाई दे रहा भाई साहब, बहुत ही गजब का है। तो ऐसा है, और आगे देखिए जो रोपवे से जो नज़ारा है ना वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं है कि नीचे से कोई शूट कर सके। तो आप रोपवे से ही इसे शूट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो मकान है, जो यहाँ की नदी है, जो वादियाँ हैं, कितनी ज़्यादा अल्टीमेट लग रही हैं। तो भाई बैठने का जो रोपवे पे एक्सपीरियंस है वो अलग लेवल का है, और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। आज का जो मंदिर देखने का हम लोग का निर्णय था बहुत ही अल्टीमेट हुआ, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इंडिया वापस आना था और हमारे पास समय बहुत कम था, लेकिन अब माता के दरबार में बुलावा था तो हम लोगों को जाना ही पड़ा। और देखिए नीचे कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, और जो ये रोपवे है जहाँ पे वो सामने दिखाई दे रहा है वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, और वहाँ से हम लोग कितनी दूर आ गए हैं। तो इस तरह से व्यू है, व्यू एंजॉय करिए। और अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, करीब 10 मिनट तक ये रोपवे चलेगी, उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अल्टीमेट है। अगर आप आए मनकामना माता से आपकी मुरादें ज़रूर पूरा होंगी, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो हम भी एक मुराद लेकर के चलते हैं, और माता के मंदिर में भाई एकदम मज़ा आ गया है। अगर आप भी घूमने आते हैं तो मनकामना मंदिर ज़रूर आएँ, बहुत ही गजब का यहाँ का नज़ारा है, और बहुत ही भव्य मंदिर है, और मंदिर देखना बाकी है। अभी हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर, और नीचे देखने पर ऐसा लगता है कि पतला रास्ता है जो नीचे से पहले शायद पैदल ट्रैक करके लोग मनकामना मंदिर जाते होंगे। फ़िलहाल उस पर कुछ गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन रास्ता किधर से है ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन जितनी भी भीड़ है वो रोपवे से ही है, हमें दिखाई देती है, और अभी भी रोपवे चल ही रही है, अभी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखिए कितनी ज़्यादा दूर हम लोग आ गए हैं नीचे से, और हमको लगता है कम से कम 1 किलोमीटर आ गए होंगे, और अगर 1 किलोमीटर आ गए हैं तो अभी 2 किलोमीटर रास्ता और बचा होगा। लेकिन जो व्यू है वो बहुत ही गजब का है भाई, एकदम गजब का व्यू हमको दिखाई दे रहा है। ऊपर से पहाड़ियाँ वादियाँ देखिए, और अब सामने देखिए एक गांव दिखाई दे रहा है, और हमको लगता है ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी के उस पार जो होगा वो लास्ट स्टेशन होगा मनकामना स्टेशन, जहाँ पे रोपवे रुकेगी और उसके बाद हमें मंदिर जाना होगा।
अब वहाँ पर पहुँच कर हम देखेंगे कि जो मंदिर है वो स्टेशन के बगल में ही है या वहाँ से हमें और पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के विषय में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन हम आपको वीडियो में पूरा बताएंगे। अगर आप पहली बार मनकामना आते हैं तो आपको कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, पार्किंग में गाड़ी कैसे, सारा चीज़ हमने पहले ही बता दिया है आपको, तो उसके लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। और अब बहुत ही जल्द वो क्षण आने वाला है जब हम मंदिर पहुंचेंगे। हम लोग रोपवे के अंदर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस समय, क्योंकि बहुत ही जो नज़ारा है ना वो बहुत ही ख़ास है। इस लेवल का नज़ारा अभी तक तो हमें कहीं नहीं देखने को मिला। आप देखिए परछाई में दो रोपवे हमें दिखाई दे रही हैं जो कि एक दूसरे को ऐसा लगता है क्रॉस कर रही हैं, और वो नीचे का जो नज़ारा है आप देखिए कितना ज़्यादा अल्टीमेट है। और मनकामना मंदिर जो है वो और भी ख़ास है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की मुरादें पूरा होती हैं। और आप भी ज़रूर आइए मनकामना मंदिर घूमने के लिए। अगर आप इंडिया से आते हैं तो जैसे हमारे यहाँ माता वैष्णो देवी की मान्यता है मंदिर की, वैसे ही मान्यता यहाँ पर मनकामना है की है, मनकामना मंदिर की है। और अगली चीज़ ये है कि मनकामना शक्ति पीठ मंदिर है, इस मंदिर की मान्यता शक्ति पीठ में की जाती है, तो उस लेवल से भी ये मंदिर बहुत ज़्यादा ख़ास है। अगर नेपाल में टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाए मंदिरों की तो उसमें से मनकामना टॉप पे आएगा, मनकामना मंदिर उस लिस्ट में ज़रूर शामिल होगा ऐसा मुझे लगता है। फ़िलहाल बहुत ही गजब का नज़ारा हुआ है अभी तक का, और ये जो ऊपर स्टेशन हमें दिखाई दे रहा है यही शायद लास्ट स्टेशन होगा। जो व्यू हमें नीचे से देखने को मिला है अभी तक वो बहुत ही गजब का था। और मनकामना मंदिर जो है इसकी ऊंचाई 1300 मीटर जो कि करीब 4200 या 4300 फीट के आसपास है। और ये देखिए मनकामना का जो अंतिम स्टेशन है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहीं से अब रोपवे आगे नहीं जाएगी, लास्ट स्टेशन है ये, और इसके आगे हमें पैदल जाना होगा। तो हम रोपवे से बाहर निकल चुके हैं, और ये देखिए नीचे बहुत लंबी लाइन लगी है, जो लोग मनकामना जी के दर्शन करके वापस आ गए हैं वो लोग अब लाइन लगाए हैं वापस जाने के लिए, जो कि काफ़ी लंबी लाइन है। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ बहुत लंबी भीड़ भी लगती है, बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और जिस समय से अभी भी इतनी भीड़ हमें दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कम से कम 4-5 हज़ार आदमी यहाँ पर होंगे। और ये रास्ता है जिससे हमें एग्ज़िट पॉइंट है बाहर निकलना है, और यहाँ से निकलेंगे। और अभी देखिए कितनी दूर हमें जाना पड़ता है, चल चुके हैं, और ये देखिए गजब का यहाँ का व्यू है, इतनी हाइट पे इतने सारे चीज़ बनाए गए हैं। और देखिए यहाँ से डायरेक्शन दिया गया है बे ऑफ टेम्पल, तो हमें मंदिर के लिए इधर से जाना है। और ये ऊँची मकान जो बने हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और दुकानें सजी हुई हैं चारों तरफ। आपको यहाँ पर आपको चारों तरफ प्रसाद और जो भी चीज़ें माता के मंदिर में चढ़ाई जाती हैं वो अवेलेबल हैं। हर जगह आपको दुकानें सजी हुई दिखाई देंगी, और सभी दुकानों पर हर वो चीज़ मिलती है। आप चुनरी ले सकते हैं और प्रसाद नारियल ले सकते हैं, सारा सामान यहाँ पर मिलता है। दूसरी चीज़, आपको खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होंगी, हर जगह आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर रूम्स होटल्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं अगर आप रुकना चाहें तो। तो अष्टमी का जो दिन है वो बहुत ख़ास होता है मनकामना मंदिर के लिए, क्योंकि अष्टमी के दिन ही यहाँ पर बलि जो है वो दी जाती है, बहुत ख़ास होती है। और लोग अपनी मनकामना पूर्ण करने के लिए अलग अलग मान्यताएं मानते हैं जो कि उनकी पूर्ण होती है। जिनकी मान्यताएं पूर्ण हो जाती हैं वो लोग भी मंदिर आते हैं, और जिनकी मान्यताएं रहती हैं वो लोग भी मंदिर आते हैं। तो यहां से हमें राइट घूमना है, और घूमने के बाद ऊपर की ओर जाना है। और देखिए यहाँ पर समोसे जलेबी इमरती सारी चीज़ मिलती है खाने के लिए, तो खाना भरपूर आपको मिल जाएगा। खिलौने चूड़ी और हर चीज़ दुकानें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष भी आपको मिलेगा, माला भी मिलेगी, फूल भी मिलेगा, तो हर वो चीज़ मिलेगी आपको जिसकी आवश्यकता है।
तो ये है मंदिर जाने का रास्ता, बहुत ही अच्छा रास्ता है। और खाने पीने के लिए आपको लोग बुलाते रहेंगे, तो अगर आपको नाश्ता करना है तो आप जा कर के कर सकते हैं। और वेज नॉन वेज सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जैसे भी हैं आप उस तरह से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मुर्गा भी दिखाई दे रहा है, तो हर चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि ये अलग देश है, तो यहाँ की इस देश की जैसी मान्यताएं हैं वैसी यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं। तो यहाँ से अब हमें फिर से ऊपर की ओर जाना है, और बहुत जल्द हम लोग मंदिर पहुँचने वाले हैं। करीब यहाँ से सीढ़ी है तो थोड़ी चढ़ाई है, और यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा खास नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा। और थोड़ी सांसें चढ़ रही हैं क्योंकि चढ़ाई पे हमें जाना है। और ये देखिए नमस्ते गार्डन थकाली, थकाली का मतलब खाना होता है, तो यहाँ पे खाने का जो है वो अवेलेबल है, तो आप खाना पीना कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमें खाना नहीं खाना है, और हमें बहुत जल्द मंदिर पहुँचना है। और ये जो रास्ता है अब सीधा हमें मंदिर की ओर ले जाएगा, बहुत जल्द हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं और वहां का आपको दर्शन कराएंगे। तो शायद मंदिर के अंदर वीडियो शूट करना अलाउ ना हो, तो मंदिर के चारों तरफ का आपको नज़ारा हम दिखा देंगे, माता के मंदिर का हम आपको दर्शन करवा देंगे। और अगर आप नेपाल घूमने आते हैं तो ज़रूर मनकामना मंदिर ज़रूर आएँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दुकानें जिस तरह से देख रहे होंगे आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रही है। और ये रहा वो भव्य मंदिर माता मनोकामना जी का, जो कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे देखो मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मास्क लगाना भी ज़रूरी था। और जो नेपाल के लोग हैं वो रूल्स बहुत फॉलो करते हैं। तो ये है वो भव्य मंदिर जो कि मनकामना माता जी का है, तो माता हम लोगों की मुरादें ज़रूर पूरी करें। और जो भी लोग यहाँ आपके दर्शन के लिए आए उनकी भी मुरादें आप ज़रूर पूरी करें। तो दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगने वाली थी और हम लोगों के पास उतना समय था नहीं, तो इस तरह से हमने यहाँ का दर्शन कर लिया है। और देखिए ये एरिया है जहाँ पर आपको अगरबत्ती धूप बत्ती ये सारा चीज़ जलाना है, आप आरती कर सकते हैं यहाँ पर, जो नीचे दिया मिलता है उसको यहाँ पर जला सकते हैं। और यहीं से अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप माता की पूजा कर सकते हैं, अगर टाइम है तो आप लाइन लगा करके अंदर मंदिर के जा करके पूजा कर सकते हैं। बहुत ही खास था हमारे लिए ये पल, बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर और मंदिर पूरा खचाखच भरा था, बहुत ही मज़ा आया दर्शन करके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मनकामना माता जी की दर्शन आपको करना हो तो ज़रूर यहाँ आएँ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।